देश को देखें तो दिखता है कि ज्यादा से ज्यादा फायदा, ज्यादा से ज्यादा धन चुने हुए कम से कम अमीर लोगों को दिया जाता है। आप हर रोज देश के लिए काम करते हो, खेत में कोई काम करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई छोटी सी दुकान चलाता है, हर एक व्यक्ति देश की रक्षा करता है, देश को खड़ा करता है। मगर जब देश के पैसे को बांटने का समय आता है तो दिखता है कि जिस प्रकार से आदिवासियों को फायदा मिलना चाहिए, जिस प्रकार से कमजोर लोगों को फायदा मिलना चाहिए, आपकी शिक्षा, आपके स्वास्थ्य में जो पैसा जाना चाहिए वो नहीं जाता है। तो दो अलग तरीके के हिंदुस्तान बनाए जा रहे हैं। एक हिंदुस्तान झबुआ का, आदिवासियों का, किसानों का, मजदूरों का हिंदुस्तान, और दूसरा हिंदुस्तान 10, 15, 20 सबसे अमीर लोगों का, प्राइवेट हवाई जहाज, करोड़ों रुपए, चमकता हुआ हिंदुस्तान। और हम ये दो हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक हिंदुस्तान हो, उस हिंदुस्तान में सबका फायदा हो, सबको अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले, सबको अच्छा सा अच्छा स्वास्थ्य हो, अस्पताल में जाने की जरूरत हो तो अमीर और गरीब एक ही अस्पताल में जा पाए, ऑपरेशन की जरूरत हो तो गरीब से गरीब व्यक्ति ऑपरेशन कर पाए। बीजेपी की सोच है कि आदिवासियों की समाज में एक जगह है, दलितों की एक जगह है, मजदूरों की एक जगह है, किसानों की एक जगह है, और वो आपको वहीं का वहीं रखना चाहते हैं। भुरिया जी ने इंदिरा गांधी जी की बात की, राजीव गांधी जी की बात की, और आपका उनसे बहुत गहरा लगाव है। लगाव का कारण है कि इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी के दिल में आपके लिए जगह थी, और वैसे ही आपके दिल में, और वैसे ही आपके दिल में उनके लिए जगह है। एक रिश्ता है, राजनीति से गहरा रिश्ता है। आप में भरोसा था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आपके लिए काम करती हैं, आपके जल, जमीन और जंगल की लड़ाई लड़ती हैं। यह आपके दिल में था और यह सच्चाई थी। इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी चाहते थे कि गरीब से गरीब आदिवासी के बेटे बेटियां अच्छे से अच्छे स्कूल में जा पाए, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जा पाए, अपना बिजनेस चला पाए, करोड़पति अरबपति बन पाए, सपना देख पाए। इसीलिए आपके बीच में, उनके बीच में रिश्ता है। और मेरी भी यही सोच है, मेरी भी यही सोच है कि आदिवासी से गरीब परिवारों को सपने देखने का हक है, अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भेजने का हक है, इलाज करवाने का हक है, रोजगार पाने का हक है, और इसके लिए हम काम करना चाहते हैं। यूपीए की सरकार थी, हम मनरेगा लाए, मनरेगा
से करोड़ों लोगों को रोजगार मिला, छोटे से छोटे गांव में लोगों को रोजगार मिला, 100 दिन का रोजगार मिला, जिंदगी बदल गई। सिंधिया जी ने कहा कि यूपीए की सरकार ने भोजन का अधिकार दिया था, हम चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति हिंदुस्तान में भूखा ना रहे। जमीन अधिकरण बिल हम लाए कि आपकी जमीन की रक्षा हो। पहले आदिवासी किसानों की जमीन एक मिनट में छीन ली जाती थी, कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाता था। जमीन अच्छी लगी तो छीन ली। हम कानून लाए, पूरे हिंदुस्तान में हमने यह लागू किया, जबरदस्त लड़ाई के बाद हमने लागू किया, और कानून में साफ लिखा था कि अगर गरीब किसान से जमीन ली जाएगी तो उससे पूछ कर ली जाएगी, अगर वो जमीन नहीं देना चाहता है तो जमीन नहीं ली जा सकती, और अगर जमीन ली जाएगी तो मार्केट से 4 गुना ज्यादा पैसा उसको दिया जाएगा। और ये कानून हमने पूरे हिंदुस्तान में लागू कर दिया। नरेंद्र मोदी जी आए, पहला काम उनका जमीन अधिकरण बिल को रद्द करने का। 3 बार उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में कोशिश की, कांग्रेस के एमपी, उसमें सिंधिया जी, कमलनाथ जी, भुरिया जी, हम सब शामिल थे, हमने कहा हम किसानों की, आदिवासियों की जमीन आपको नहीं लेने देंगे। 3 बार उन्होंने कोशिश किया, अंत में उनको पता लगा कि ये कांग्रेस वाले पीछे नहीं हटेंगे, उन्होंने शिवराज चौहान जी को, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर को, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से कहा कि देखिए इस बिल को हम दिल्ली में रद्द नहीं कर पा रहे हैं, इसको आप मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, गुजरात में रद्द करो। और आज की सच्चाई है कि जो हिंदुस्तान का कानून है, जो कानून हमने आपकी जमीन की रक्षा करने के लिए बनाया, वो मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगा, और आपकी जमीन आपसे छीनी जाती है, आपको सही कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाता है, आपको जमीन का सही दाम नहीं दिया जाता है। आदिवासियों के लिए हम आदिवासी बिल लाए कि आपकी जमीन, आपका जल, आपके जंगल की रक्षा, उसको भी मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान जी ने लागू नहीं किया। जो आपका हक है, आपकी जो जमीन आपको मिलनी चाहिए थी, वो आपको वापस नहीं। पिछले 4.5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने 3,50,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया है। गरीब आदिवासियों का, छोटे दुकानदारों का, किसानों का, मजदूरों का नरेंद्र मोदी जी ने 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया। आप मुझे बताइए, सबसे अमीर लोगों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, और जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब हैं, उनका 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया है। और मैं स्वयं प्रधानमंत्री जी के पास गया, मैंने उनसे कहा देखिए आपने लाखों करोड़ रुपया अंबानी, माल्या, नीरव मोदी जैसे लोगों का माफ किया है, किसान आपसे कह रहा है कि थोड़ा सा पैसा हिंदुस्तान के किसान का भी आप माफ कीजिए। और मैं दुख से आपको कहता हूं कि उनके ऑफिस में नरेंद्र मोदी जी ने मेरे सवाल का जवाब तक नहीं दिया। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि भाई हां सही बात बोली, कोशिश करेंगे, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला।
मैं आपको यहां से वायदा देना चाहता हूं, और यही बात मैंने कर्नाटक के चुनाव में बोली और पंजाब के चुनाव में बोली, जैसे ही यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी 10 दिन के अंदर, 11 दिन नहीं लगेंगे, 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। और ये हम आपको कोई तोहफा नहीं दे रहे, फ्री गिफ्ट नहीं दे रहे, ये आपका हक है। आपने इस देश को बनाने का काम किया है, आप इस देश को भोजन देते हो, आप दिन भर काम करते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विजय माल्या ने 9,500 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के बैंक का लिया है, कितने युवाओं को विजय माल्या ने रोजगार दिया? एक युवा को विजय माल्या ने रोजगार नहीं दिया। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी 35,000 करोड़ रुपए चोरी करके भाग गए, मतलब जितना पैसा कांग्रेस पार्टी ने एक साल में मनरेगा में डाला उतना पैसा एक व्यक्ति उठा के भाग गया। कितने युवाओं को उसने रोजगार दिया?